The sonnet was first published in Milton's 1673 poem in the autograph notebook known as Trinity Manuscript. The title On His Blindness is used by Thomas Newton in his 1761 edition of Milton's poetry. तो ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये मिल्टन ने कभी यूज़ नहीं किया था. थॉमस न्यूटन ने 1761 के एडिशन मिल्टन्स पोएट्री में यूज़ किया ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ऐसा माना जाता है कि जो सोनेट है वो 1652 में लिखा गया है, बट बहुत से स्कॉलर का मानना है कि ये जून से अक्टूबर के बीच 1655 में मिल्टन ने लिखा जब वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे. इस सोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो एक पेट्रियार्चन फॉर्म है जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी, जिसमें 8 लाइंस ऑक्टेव और 6 लाइंस सेट सेट थी, जिसमें ये होता था कि फर्स्ट 8 लाइंस में प्रॉब्लम और लास्ट की 6 लाइंस में सॉल्यूशन को दिखाया जाता है. ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो मिल्टन की स्टेट दिखाता है जो 44 ईयर्स का था और उसकी आंखों की रोशनी चली गई. इसे सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहा जाता है. और इस सोनेट में पोएट का जो पर्सनल ग्रीफ है, मींस वो जब ब्लाइंड हो गया तो उसका जो दुख है उसको दिखाया गया है. ये एक डिवाइन मैसेज देता है उस मैनकाइंड के लिए कि जब भी तुम सफ़र कर रहे हो पर तुम्हें भगवान में फेथ होना चाहिए. मिल्टन ने इसमें जिस टैलेंट की बात की है वो पोएटिक टैलेंट है जो उसने बाइबल के फेमस पैसेज से ली.